तो क्या आप जानते हो रेलवे 164 साल का हो गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, नई दिल्ली भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लगभग 1.25 लाख क्षेत्र में फैले इस रेल नेटवर्क के बारे में कई ऐसी रोचक बातें हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे के बारे में ये बातें आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, रेलवे 164 साल का हो गया है। पहली ट्रेन 164 साल पहले 16 अप्रैल को मुंबई से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। दोस्तों, रेलवे में 15 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का 9वां सबसे बड़ा नियोक्ता है। दोस्तों, देश में कुल 7,500 स्टेशन हैं। पहला कंप्यूटर बेस्ड टिकट रिजर्वेशन नई दिल्ली में साल 1986 में शुरू हुआ था। दोस्तों, रेलवे की वेबसाइट irctc.co.in दुनिया की सर्वाधिक देखी गई वेबसाइट में से एक है। इस पर हर मिनट लगभग 12 से 14 लाख विजिटर होते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क इतना बड़ा है कि पटरियों से पृथ्वी को एक बार घेरा जा सकता है। एक ट्रेन ड्राइवर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी ज़्यादा सैलरी मिलती है। दोस्तों, इन्हें लगभग 1 लाख रुपए प्रति महीना सैलरी दी जाती है। दोस्तों, भारत की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन मेट्टुपलायम उट्टी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दोस्तों, रेलवे रोज़ 11,000 ट्रेनों का काम संभालता है। देश में रोजाना 2.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दोस्तों, ये कई देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर में चनाब नदी के ऊपर ये पुल बनाया जाएगा, जो आईफल टावर से भी ऊंचा होगा। दोस्तों, देश में सबसे लंबी रेलवे सुरंग 11,215 किलोमीटर लंबी है। यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भले ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन हो, लेकिन सबसे लंबा नाम आंध्र प्रदेश के पास है। दोस्तों, वहीं सबसे छोटे नाम का खिताब उड़ीसा के स्टेशन इब के पास जाता है। इसका नाम इब नदी के नाम पर रखा गया है। भारतीय रेलवे का नई दिल्ली में स्थित म्यूजियम एशिया में सबसे बड़ा है। रेलवे के मैस्कॉट भोली हाथी है, जो एक गार्ड है। दोस्तों, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। ये दिब्रूगढ़ से चलकर कन्याकुमारी तक 4,273 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। दोस्तों, त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस देश की इकलौती ऐसी ट्रेन है जो बिना रुके 528 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ये कोटा से वडोदरा का सफ़र बिना रुके पूरा करती है। दोस्तों, वहीं हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा स्टॉपेज वाली ट्रेन है। इसमें कुल 115 स्टॉपेज पड़ते हैं। सबसे कम सफ़र नागपुर और अजनी स्टेशन के बीच है। ट्रेन इन दो स्टेशनों के बीच केवल 3 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। दोस्तों, नवापुर एक लौता ऐसा स्टेशन है जो दो राज्यों के बीच बंटा हुआ है। ये महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर बना है और दोनों में आधा आधा बंटा हुआ है। दोस्तों, लखनऊ देश का सबसे व्यस्त स्टेशन है। यहाँ रोजाना 64 ट्रेनों की आवाजाही होती है। दोस्तों, गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस रेलवे की ऐसी ट्रेन है जिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। ये औसतन 10-12 घंटे की देरी से चलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।